लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभा तो बहन, आप खाना नहीं खा रही? करवा चौथ समझ गया बहन, आज आपने अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखा है। मेरी बीवी ने भी रखा होगा मेरी सलामती के लिए। गंगा मैया, बरसों से न जाने कितने बेटों ने अपनी माओं की अस्थियां तुम्हारी इन पवित्र लहरों के हवाले किए, आज मैं भी कर रहा हूं। इसमें एक सुहागन के कंगन और एक अनाथ की आशाएं हैं। तुझ में तो इतनी शक्ति है मां कि तू हिमालय को समुंदर से मिला देती, इस बेटे को भी अपनी मां से मिला दे। गंगा मैया, मेरी मां जहां भी है इस कलश को उस तक पहुंचा दे मां। देवी जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसका देहांत हो गया। मरने से पहले उसने मुझे बता दिया था कि बादल मुझे अनाथ आश्रम की उस झोली से उठाकर लाया था यहां तुम मुझे छोड़ आई थी। मां, तुम्हारा बेटा राजू दुर्गा मां के मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जमुना, तुम्हारा बेटा है।
तुम सुनो नहीं क्या? उठाओ हराम साधे, अपने आदमियों से कहो छोड़ दे इनको, छोड़ कुत्ते, जाओ बहन चली जाओ यहां से, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। बेटे से कहना मेरा आशीर्वाद है उसे। मां जी आप बोल सकती हैं। देवी मां की कृपा से मेरी आवाज लौट आई और मेरा बेटा भी बेटा। तुम्हें इस बात का बड़ा गुरूर था ना आजाद सिंह, तुम्हारा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, मगर अब देखो तुम्हारा ये मगरूर सर कट कर कैसे हमारी जूतों की ठोकरों में गिरता है। डैडी मैं जिंदों को मारता हूं और आप पुतलों को। अगर दिल की भड़ास निकालनी है तो आप आजाद सिंह को खत्म क्यों नहीं करते? चाहता तो मैं भी यही हूं डैनी, लेकिन मजबूर हूं। ये हुक्मनामा देखो, दिल्ली से वायसराय ने लेडी हेलना की सिफारिश पर भेजा है इस महीने की 26 तारीख को उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन डैनी साहब अगर आजाद सिंह यहाँ से जिंदा बच निकला तो ये हमारी सबसे बड़ी शिकस्त होगी। डैनी साहब बस्ती से खबर है राजू तांगे वाला जिंदा है। क्या? हाँ, और वो औरत यहाँ से जो भागी थी वो उसकी माँ है और आजाद सिंह उसका बाप। आजाद सिंह का बेटा है तो अपने बाप को छुड़ाने जरूर आएगा। आशीर्वाद दो मां। जीते रहो बेटे, संभल कर जाना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। फिक्र मत करो मां, जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। चल बादल। आजाद सिंह कहाँ है? और महल की काल कोठरी में। कौन हो तुम? पिताजी मैं आपका बेटा राजू, आपको रिहा करने आया हूं। इस पे हाथ उठाता है पिताजी। ये क्या? साइमन खा गया ना नकाब का धोखा, वो जानवर तुमसे ज्यादा समझदार निकला। वेलकम टांगे वाला।
तुम्हारी मां ने तुम्हें सही जगह भेजा है। वो खुद तो यहां से बचकर भाग गई, मगर तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। ले जाओ उसे। देखा आप लोगों ने कैसा फंसाया उसे। शाबाश बेटे डैनी, तुम्हारे नकाबों के खेल ने तो कमाल कर दिखाया। आप लोग आजाद सिंह को मारकर अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते थे ना? मैंने बाप और बेटे दोनों को खत्म करने का प्लान बनाया है। वो कैसे? कल आप आजाद सिंह को ब्लड बैंक ले आइए। डूब मरो बेरहम। तुम अपने उन भाइयों का खून निकाल रहे हो जो पहले से मरे हुए हैं। ये तो चंद गुलामों का खून है जो मैंने निकाला है। मेरे मालिक अगर हुक्म दें तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों का खून निकालकर मैं इनके पैरों को भी धो सकता हूं। नाली के कीड़े और हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों की जिंदगियों में क्या फर्क है? इस वक्त मैं जंजीरों में बंधा नहीं होता तो तुम्हें बताता कि जिस देश में तुम जैसे कीड़े पैदा होते हैं वहां हजारों माएं शेरों को भी जन्म देती हैं। तुम्हारी तो सिर्फ खाल शेर की बाकी रह गई है आजाद सिंह। गोश्त चबाने वाले दांत तो तुम्हारे कब के टूट चुके हैं। मेरे लिए तुम्हारी गरज बिल्ली की म्याऊं से ज्यादा भयानक नहीं। कह दो अपने मालकों से मुझे एक मिनट के लिए आजाद कर दें, फिर देखना जिन अंग्रेजों ने तुम्हारा जमीर खरीदा है वो तुम्हारी बोटियां किस भाव से खरीदते हैं। जब सलामत नहीं राजू। मेरे मालिक, मेरी सरकार, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस गुलाम की खाल को नोच कर उससे बने हुए जूतों से आपके पैरों की शोभा बढ़ा सकता हूं। जो आजाद सिंह, तुम्हें मंजूर है? अगर यह मौका मुझे दिया गया तो मैं समझूंगा मेरे दुश्मन का पहला एहसान है मुझ पर। तो ठीक है आजाद सिंह, तुम्हें कल ही मौका दिया जाएगा। आज इसके जिस्म से खून ना निकाला जाए क्योंकि कल मैदान जंग में इसका सारा खून निकल जाएगा। ले जाओ इसे। वेल डन सब इसको, वेल डन। आजाद सिंह को तो तुमने भड़का दिया, लेकिन बाप के खिलाफ लड़ने के लिए बेटे को कैसे तैयार करोगे? टांगे वाले, कल अरीना में आजाद सिंह और तुम्हारे बीच लड़ाई होगी और उसका फैसला एक की मौत और दूसरे की आजादी से होगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती एक बेटे के लिए और क्या हो सकती है कि वो अपनी जान देकर अपने बाप को आजाद कराए। इसका मतलब है कि तुम बिना लड़े ही अपनी जान दे दोगे? एक जान तो क्या हैरी, मां बाप के चरणों में अपने सातों जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। इतनी जल्दी हम तुम्हें कुर्बान होने नहीं देंगे। हम तुम्हें उस वक्त तक तड़पाते रहेंगे जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। हरी, ये ऐसे नहीं मानेगा। ले जाओ। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक तो। हाँ।
इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो राजू का बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, और अगर हम उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए ले भी जाते हैं तो वो अपने बाप के कदमों पर अपना सर रख देगा और आजाद सिंह की हत्या पर कभी वार नहीं करेगा। करेगा, लेकिन कल एरिना में असली आजाद सिंह नहीं, नकली आजाद सिंह होगा। और किसी को शक ना पड़े डैडी, वो वहां बातें भी देशभक्ति की ही करेगा। वाह वाह, अब तो राजू को कोई नहीं बचा सकता। देखा मेरे होने वाले दामाद को? आपकी बेटी उसे बचाने की कोशिश करेगी।